हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, जो हमारा लेसन चल रहा था वो था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो अब तो तुम समझ गए होंगे कि जो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट द राइटर के अकॉर्डिंग क्या था वो क्रिसमस के दिन पर। ठीक है, तो आज जो हमारा चलेगा वो लेटर का लास्ट पार्ट चलेगा, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं पिछला जो हमने पढ़ा है। तो ये था कि हमारा जो राइटर है वो टेबल ढूंढने जाता है कबाड़ी की दुकान पर। ठीक है, तो वहाँ पर उनको टेबल तो मिल जाती है, लेकिन वो बहुत बुरी हालत में होती है। तो टेबल वो ले आते हैं घर पर क्रिसमस की शाम को। वो ऐसा सोचते हैं कि वो उस पर काम कर लेंगे, उसको ठीक कर देंगे, ऐसा उनको लगता है। तो वो पूरा बताते हैं कि टेबल पे क्या क्या हुआ है, टेबल कैसे टूटी हुई है, टेबल के अंदर क्या है। और फिर उसको ध्यान से देखते हुए उनको मिलते हैं तीन ड्रॉअर दिखते हैं उस पर। तो दो ड्रॉअर में तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो तीसरा ड्रॉअर होता है वो बहुत ज़्यादा टाइट लगा के रखा होता है। जिसकी भी टेबल थी वो बहुत ज़्यादा टाइट लगा के रखा होता है उसने। तो वो निकालता है तो उसमें टिन बॉक्स होता है। टिन बॉक्स के ऊपर एड्रेस लिखा होता है, टिन बॉक्स के ऊपर एड्रेस नहीं लिखा था, सॉरी एक चीज़ लिखी होती है, मैं बता रहा हूँ आपको। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव जनवरी 25, 1915, ये लिखा होता है उसके ऊपर। अब वो लेटर को खोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन लेटर को फिर भी खोल लेता है। तो उस पर टॉप पर लिखा होता है एड्रेस लिखा होता है मिसेस जिम मैकपर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रेडपोर्ट डॉट से, ये लिखा होता है। और उसको राइटर खोल लेता है और वहाँ पे लिखा होता है December 26, 1914। और वो लेटर पढ़ना स्टार्ट कर देता है। लेटर पढ़ते वक्त उसको बताता है कि ये आज जो क्रिसमस के दिन हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। कॉनी जो जिसने भी लेटर लिखा है वो कॉनी को लेटर लिख रहा है। कॉनी शायद उसकी वाइफ होगी, तो उनको लेटर लिख रहा है वो। और जो लेटर है ये उसमें बता रहे कि जो क्रिसमस की सुबह थी वो उतनी खूबसूरत थी जितनी क्रिसमस की सुबह को होना चाहिए। लेकिन एक अजीब सी बात हुई उस दिन। जितने भी फ्रिट्स थे, मतलब जर्मन सोल्जर्स थे, वो सब चिल्लाने लग गए हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। तो हम लोगों ने भी इधर से चिल्लाना चालू कर दिया हैप्पी क्रिसमस फ्रिट्स। और फ्रिट्स मतलब टॉमी मतलब ब्रिटिश सोल्जर, फ्रिट्स मतलब जर्मन सोल्जर। तो हम लोगों ने भी चिल्लाना चालू कर दिया। कुछ टाइम बाद वो आ गए नो मैन्स लैंड पर चले आए, वहाँ से अपने ट्रेंचेस को छोड़कर जहाँ पर छुपते हैं वहाँ उसको छोड़कर नो मैन्स लैंड पर चले आए। अब नो मैन्स लैंड पर एक के पास भी हथियार नहीं था। सब लोग वहाँ पे नो मैन्स लैंड में हमारे जो टॉमी वो ब्रिटिश सोल्जर थे वो भी उनसे मिल रहे थे, वो भी मिलने लगे ये भी, और क्रिसमस मना लगे। तो फिर उनका एक ऑफिसर था, वो आया। मैं भी चले गया, किसी को रोकना चाहता था लेकिन मैं रोक नहीं पाया वहाँ पे मिलने से। तो वो ऑफिसर मुझसे आगे मेरे हाथ मुझसे हाथ मिलाया और मुझसे बोला कि मेरा नाम है हैंस वुल्फ और वो चेलो बजाता है ऑर्केस्ट्रा में। ठीक है, तो मैंने बोला कि मेरा नाम है कैप्टन जिम मैकपर्सन और मैं टीचर हूँ डॉर्सेट में। तो हम लोगों ने कई सारी बातें की, डॉर्सेट की बात की, बात सेवा की बात की, तुम्हारा जो बचा हुआ केक था जो तुमने भेजा था वो भी खाया हमने, शेयर किया। और थोड़े टाइम में कोई फुटबॉल ले आया और हम लोग फुटबॉल भी खेलने लगे। मैं तो चाहता था कि हम लोग जीत जाए, लेकिन कॉनी वो जीत गए, फ्रिट जीत गए और हमारा स्कोर था 2-1। उसके बाद हमसे हमारा अलग होने का टाइम आ गया और हम लोग अलग हो गए। ठीक है, वो चाहते तो नहीं थे दोनों साइड जाना, लेकिन वो चले गए। और सब जिम ने वो हैंस वुल्फ ने मुझसे बोला टेक केयर और वो सारे ग्रे कोट्स के बीच में छुप गया, गायब हो गया, उधर से ले गया। फिर रात को सब वो जर्मन सोल्जर्स गाना गा रहे थे, वाइल्ड शेपर्ड्स वॉच्ड, और हम लोगों ने भी उनके साथ साथ गाया। और ये वो याद है जो मैं हमेशा अपने साथ खजाने की तरह बचा के रखूँगा, हमेशा अपने साथ ये याद मैं रखूँगा। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था कि वो जो लेटर मिला था, लेटर में क्या हुआ था और कौन लिखा गया था। Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing. अच्छा, ये तो पढ़ लिया था कल, लास्ट पार्ट ये था कि भाई क्रिसमस के बाद मैं आशा करता हूँ
अगले साल जो क्रिसमस आएगी इस पर ये वॉर कुछ नहीं होगा, ये वॉर ख़त्म हो चुकी होगी, बस हमारी यादों में जिंदा रहेगी और मुझे पक्का यकीन है कि हम लोग साथ में रहेंगे, जल्दी ही हम लोग साथ में रहेंगे। थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. मैंने लेटर वापस फोल्ड किया और वापस उसके एनवेलप में डाल दिया। Carefully सावधानी पूर्वक मैंने वापस उस लेटर को एनवेलप में डाल दिया। I kept awake all night. मैं पूरी रात जागा रहा। By morning I knew what I had to do. सुबह मुझे पता था कि मुझे क्या करना था। I drove into Bridport just a few miles away. मैं Bridport गया जो कि कुछ मील दूर ही था। I asked a boy walking his dog where copper beaches was. मैंने एक लड़के को पूछा जो कि अपने कुत्ते को घुमा रहा था कि भाई 12 कॉपर बीचेस कहाँ है, वेयर कॉपर मतलब कॉपर बीचेस कहाँ है। House number 12 turned out to be nothing but a burned house shell. Roof caving. Burned out shell मतलब होता है वो जल चुका था, आग आग से जल चुका था। Roof shell गिर चुकी थी शायद। The windows boarded up. जो windows थी उसकी खिड़कियाँ थी उस पर लकड़ी के वो फंदे वगैरह जो होते हैं बोर्ड होते हैं जो वो लगा रखते हैं। I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of Mrs. MacPherson. मैंने बताया जो पास का घर था उसका दरवाज़ा ठकठकाया। मैं सोच रहा था कि शायद कोई जानता हो कि भाई मिसेस मैकपर्सन कहाँ है, ठीक है। Oh yes, said the old man in his slippers. He knew her well. हाँ मैं जानता हूँ, बूढ़े आदमी ने कहा जो स्लीपर पहने हुए था उसने बताया कि मैं जानता हूँ उसको अच्छे से। लवली ओल्ड लेडी टोल्ड मी अ बिट मॉडल हैड बट एट हर एज शी वाज एंटाइटल्ड टू बी मॉडर्न शी। मॉडल हैड मतलब कंफ्यूज, बूढ़े लोग कंफ्यूज ही रहते थे, उनको पता नहीं रहता ना जो उम्र उम्र ही ऐसी होती है। लवली ओल्ड लेडी प्यारी सी बूढ़ी महिला, उसने मुझे बताया कि प्यारी सी बूढ़ी महिला है जो अबिट मॉडल हैड जो कन्फ्यूज रहती है लेकिन बट एट हर एज, लेकिन जो उनकी उम्र है तो उनको कन्फ्यूज रहना उनका बनता है, क्यों नहीं करते ना। 101 years old, 101 साल की हो। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, वो घर में थी जब वहाँ पर आग लगी, जब वहाँ पर आग लगी तो वो घर में ही थी। ये तुम लोगों ने देख लिया होगा कि जो टेबल थी वो कैसे खराब हुई है ना। No one really knew how the fire had started, but it could well have been candle. कोई नहीं जानता था कि आग कैसे लगी, पर ये अच्छे से लगता कोई अच्छे से कह सकता था कि ये मोमबत्तियों की वजह से हुआ। She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. वो हमेशा कैंडल का यूज़ करती थी बिजली की बजाय, उसको लगता था कि वो बिजली है वो काफ़ी महंगी है। तो मिसेस मैकपर्सन, द फायरमैन हैड गॉट आउट जस्ट इन टाइम, जो फायरमैन है जो आग बुझाने वाले कर्मचारी थे उन्होंने उनको टाइम पर बाहर निकाला। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, शी टोल्ड मी बट लिव इन हाउस ऑन डॉरचेस्टर रोड बताया। फायरमैन ने शी वॉज इन नर्सिंग होम नाउ कि वो एक नर्सिंग होम में है अभी, उसने मुझे बताया ऐसा बर्लिंगटन हाउस में, और वो कहाँ है अगले साइड पर ही है, ये जो शहर है उसके अगले साइड पर ही है। और ये क्वेश्चन आंसर बाद में कर लेंगे, देखते हैं आगे। I found Burlington House nursing home easy enough. मुझे जो बर्लिंगटन नर्सिंग हाउस है
वो आसानी से मिल गया. देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ लूप साइडेड एंजल ऑन टॉप. देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे. वहाँ पे पेपर से जो चेन बनाते रखते हैं सजाने के लिए वो लगा रखी थी पूरे हॉल के रास्ते में. एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री, और क्रिसमस ट्री को सजा रखा था लाइट से, और उसके ऊपर इन द कॉर्नर विद द लूप साइडेड एंजल ऑन टॉप. और ऊपर ऊपर जो टॉप था उसका वहाँ पर एक लॉप साइडेड एंजल लगा रखा था. एंजल लगा रखा होगा, सजाने की चीज़ आती हुई कुछ. आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकफर्सन टू ब्रिंग हर क्रिसमस प्रेजेंट. तो मैंने कहा कि मैं मिसेज मैकफर्सन से मिलने आया हूँ, उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लाया हूँ मैं. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. मैं पूरे डाइनिंग रूम में देख सकता था जहाँ पर सब ने पेपर हैट पहनी हुई थी और गा रहे थे सब. The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. The matron जो वहाँ पर थी, लोग थे वहाँ पर, वो भी उन्होंने भी हैट पहना हुआ था और वो काफ़ी खुश हुए मुझे वहाँ पर देख के. शी इवन ऑफर्ड मी माई पाए. उन्होंने मुझे एक खाने पाए भी दी खाने के लिए. पाए मतलब केक. शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर. उसने मुझे कॉरिडोर के साथ में चले, कॉरिडोर में हम लोग चले. मिसेज मैकफर्सन इज नॉट विद नॉट इन विद अदर्स. मिसेज मैकफर्सन दूसरों के साथ नहीं है. शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, मैट्रॉन ने वहाँ पर मुझे बताया. वार्डन होगी शायद वो. शी इज़ रादर कन्फ्यूज टूडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड ए गुड रेस्ट. तो वो काफ़ी कन्फ्यूज थी आज, तो हमने सोचा कि उनको आराम करना चाहिए. शी हैज़ नो फैमिली यू नो, नो वन विजिट्स. उनकी कोई फैमिली नहीं है, कोई आता नहीं है उनसे मिलने. सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू. तो मैं श्योर हूँ कि वो मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी. शी टुक मी इनटू कंजर्वेटरी विद विकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी. तो भाई मुझे वो लेकर के कंजर्वेटरी तक जहाँ पे मिसेस वो थी, मिसेस मैकफर्सन थी, जहाँ पे चेयर्स लगी हुई थी, व्हील चेयर्स लगी हुई थी और चेयर्स लगी हुई थी और गमले लगे हुए थे वहाँ पे, पॉटेड प्लांट्स थे और सारी तरफ ही. और वहाँ द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड फोल्डेड इन हर लैप. जो बूढ़ी महिला थी, मतलब मिसेस मैकफर्सन के साथ देख लिया उन्होंने, वो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी और जो उनके जो हैंड थे वो उनकी गोदी में थे. लैप मतलब गोदी, ठीक है. उन्होंने अपने घुटने ऊपर अपने हाथ रखे हुए थे, व्हील चेयर पर वो बैठी हुई थी. She had silver white hair pinned into a wispy bun. तो उनके सिल्वर कलर के सफ़ेद बाल थे उनके, और वो उनका उन्होंने बन बनाया हुआ था, ठीक है. She was gazing out at the garden. वो गार्डन की तरफ देख रही थी. Hello, I said. Hello, मैंने कहा. She turned and looked up at me vacantly. उन्होंने मुझे देखा और मेरी वो मुझे ऐसे देखा जैसे वो कुछ सोच रही हो, एकदम वो वेकेंटली, मतलब एकदम खाली उनका दिमाग, वो कुछ आए नहीं उनके. हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन. मैंने बोला हैप्पी क्रिसमस कॉनी. उन्होंने आगे कहा, एज आई फाउंड दिस आई थिंक इट्स योर्स. ये मुझे मिला है, मुझे लगता है कि तुम्हारा है. एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस. जैसे मैं बोल रहा था उसकी आंखों ने मुझे, वो मुझे देखती रही, उसने अब मेरे चेहरे से अपनी नज़र नहीं हटाई. आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर. मैंने वो टिन बॉक्स को खोला और मैंने उसको दे दिया. दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप विद रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकेम सफल्स विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस. मैंने जैसे बॉक्स खोला, उसको दिया, वो समय था जब उसकी आँखें, जो मिसेस मैकफर्सन की आँखें थी, वो चमक उठी, वो पहचान गई और वो उनको, उनके ऊपर एकदम, उनके शक्ल पर, उनके फेस पर एकदम खुशी झलकने लगी. आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग.
मैंने उनको बताया अपने और डेस्क के बारे में, और मैंने ये बताया कि मैं मुझे ये लेटर कैसे मिला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मुझे सुन रही थी। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग, कुछ समय के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, लेकिन उन्होंने बहुत बहुत प्यार से वो लेटर खोला। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, वो अचानक वो मेरा हाथ पकड़ लिया उन्होंने। हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, उनकी आँखें बहुत ज़्यादा आंसुओं से भर गई। यू टोल्ड मी यू'ड कम होम बाय क्रिसमस डियर, शी सेड, तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस तक घर आ जाओगे मेरे प्यारे, शी सेड, एंड हियर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, एंड हियर यू आर, और यहाँ हो तुम अब द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, जो कि मेरे लिए सबसे बढ़िया क्रिसमस का तोहफा है पूरी दुनिया में, कम क्लोजर जिम डियर, कम क्लोजर जिम, जिम मेरे पास आओ और यहाँ बैठ जाओ, सिट डाउन और बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस माई चीक, मैं उसके साथ बैठ गया, वहीं बैठ गया और उन्होंने मेरा गाल मेरे गाल पर किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, मैं तुम्हारा लेटर रोज़ पढ़ती हूँ जिम। आई वॉन्टेड टू हेयर योर वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता था, चाहती थी अपने सर में। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, ये मुझे हमेशा लगता है कि तुम मेरे साथ ही हो, ये लेटर पढ़ने के बाद उनको हमेशा लगता है कि वो उनके साथ ही है। एंड नाउ यू आर, और अब तुम सच में हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू माई सेल्फ, अब तुम वापस आ गए हो तो ये तुम मुझे खुद पढ़ कर सुना सकते हो। वुड यू डू डैट फॉर मी जिम डियर, क्या तुम ये मेरे लिए करोगे जिम। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज़ वापस सुनना चाहती हूँ। आई लव डैट सो मच एंड देन परहैप्स वील हैव सम टी, आई लव दैट सो मच, मुझे वो बहुत पसंद है एंड उसके बाद शायद हम लोग कुछ उसके बाद हम लोग चाय पियेंगे, ठीक है। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा क्रिसमस का केक बनाया है, मर्जी पान ऑल अराउंड, जिसके ऊपर मर्जी पान भी है। आई नो हाउ मच यू लव मर्जी पान, और मुझे पता है कि तुम्हें मर्जी पान कितना पसंद है। माइकल मॉरफर्गो, ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर्स कल कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर तुम लोग खुद करने की कोशिश करना एक बार, बाकी मैं तो अगला लेसन पढ़ाऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स काफ़ी वो है यार, ट्रिकी हो जाएंगे, ठीक है, तो अब तो कर सकते हो तुम, है ना। थैंक यू।